जी क्या नाम है आप? जितेंद्र प्रताप सिंह। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते जी। इटावा में क्या माहौल दिख रहा है? इटावा में रामजंगर कड़ेरिया बहुत वोटों चुनाव जीत रहे हैं, जिनकी टक्कर सीधी सिपाल की पार्टी की दौरे जी से है। इन दो लोगों में बहुत कड़ा मुकाबला है और महागठबंधन तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर रामजंगर कड़ेरिया करीबन 2 लाख वोटों से बहुत बुरी तरीके से चुनाव जीत रहे हैं और भारतीय तरीके से हाँ बहुत भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी लहर है यहाँ पर। मगर उनको आगरा से यहाँ क्यों आना पड़ा? आगरा से आने के बहुत कई कारण रहे यहाँ आने के। इटावा में एक बड़ा नेतृत्व, एक शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व इटावा को आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी को, वो इटावा को मिला है। आगरा को चमन बनाने के बाद रामशंकर कटेरिया। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी से मैं बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ। सच्चा देशभक्त क्या होता है? सच्चा देशभक्त है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी आपकी गलत सोच है। एक मिनट रुक जाइए आप, मैं किसी पहले मुझे बताइए सच्चा देशभक्त क्या? सच्चा देशभक्त वो जो होता है जो देश की नीतियाँ जो चल रही हैं उसको वो अच्छी हैं तो उसके प्रति जो अच्छा आचरण रखता है वो सच्चा देशभक्त है। आज मुझे योजना है, नीतियाँ बताइए। किस किस की? मोदी सरकार की। उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय जो मोदी जी ने हमारे ने बनवाई, सबसे बड़ा जो एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अगर कोई CEO इस चौराहे पर जब्त कर ले और उसका चालान हो जाए तो 3 दिन जिस मोटरसाइकिल को छुड़ाने में कोर्ट से योजना है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, पांच योजना हमारे भाई साहब, मैं पांच योजनाएं पूछ रहा हूँ आपसे। सशक्तिकरण, आप दो योजना बताएं। बताने जा रहा हूँ मैं भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ देश का विदेशों में जो हमारे देश की नीतियाँ हैं, सशक्तिकरण है तीसरी योजना में सबसे बड़े मानता हूँ। चौथी वो योजना नहीं, वो जिम्मेदारी सरकार की। ये क्यों योजना? मैं योजना पूछ रहा हूँ। सशक्तिकरण कोई योजना नहीं है, इस तरीके की नीतियाँ हैं। वो तो अरे वो तो बात सुनेंगे, वो तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर सुरक्षित रहे। कोई सफल है कोई नाकाम है वो अलग मुद्दा है। मैं आपसे सुरक्षित एक अलग बात, आपने कहा आप देशभक्त हैं जी, ठीक है, बीजेपी की आप तारीफ कर रहे हैं, मुझे आपने पांच योजनाएं बोली, मैंने आपसे मैं पांच ही बताने जा रहा हूँ, अभी दो बताई हैं आप, तीसरी बताने जा रहा हूँ मैं। पहली योजना मैंने उज्ज्वला गैस योजना बताई, दूसरी शौचालय वाली योजना बताई, तीसरी मैंने देश विदेश जो नीतियाँ हैं योगी जी की, योजना नहीं है क्या? योगी जी ने मोदी जी की, हाँ मोदी जी की, और चौथी मैं बता रहा हूँ आपको, देश विदेश की नीति में योजना में नहीं मालूम जनधन योजना। अरे अब आप क्यों आ गए इनसे? ये हमारे साथ देशभक्त भाई साहब ये बताएंगे। अरे जनधन योजना है हमारी, जो आपने नोटबंदी की थी उससे जो नोटबंदी योजना नहीं भाई साहब, क्या है वो नियम अपने को जो राष्ट्रभक्त कह रहे हैं यही बहुत बड़ी बात होती है। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।